रामलला के दर्शन करेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत जो है वो इसी से करेंगे कि मोहन कैबिनेट आज अयोध्या का दौरा करेगी और रामलला के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगी। सीएम मोहन यादव समेत कैबिनेट के सभी मंत्री अयोध्या सपरिवार जाएंगे और रामलला का आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे। चलिए अब आपको ये तीन तस्वीरें भी दिखा देते हैं। रामलला के दर्शन कार्यक्रम को लेकर विशेष तैयारियां की गई है। इसके अलावा रामलला की शरण में आज मोहन के तमाम नेता कैबिनेट पूरी पहुंचेगी रामलला के दर्शन करने के लिए। मोहन कैबिनेट दर्शन करेगा, सा परिवार यहां पर पहुंचेंगे। खासा उत्साह जो है वो मोहन कैबिनेट में देखा जा रहा है। हालांकि फरवरी में यहां पर रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचना था, लेकिन ज्यादा भीड़ होने के चलते इसको टालकर यह निर्णय लिया गया कि मार्च में मोहन कैबिनेट जो है रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। और साथ ही खासा तैयारी रामलला के दर्शन को लेकर की जा रही है, खासा उत्साह देखा जा रहा है मोहन कैबिनेट में। साथ ही आपको बता दें कि पहले तो कैबिनेट बैठक होगी, उसके बाद रामलला के दर्शन करने के लिए तमाम मंत्री परिषद जो है वो आज अयोध्या पहुंचेंगे। सपरिवार ये लोग अयोध्या पहुंचेंगे तो कैबिनेट की बैठक के बाद अयोध्या रवाना होने का कार्यक्रम है। साथ ही अयोध्या में एमपी सरकार कई विकास कार्यों की संभावनाएं भी तलाशेगी। एमपी सरकार की अयोध्या में धर्मशाला और घाट बनाने की भी योजना है। हालांकि इस बात को लेकर पहले भी सीएम मोहन यादव यह बात कह चुके हैं कि एमपी भवन वहां पर बनाने की बात रखी गई है। साथ ही विक्रमादित्य घाट को लेकर भी योजना बनाई गई है। अगर एमपी सरकार को अयोध्या में जमीन मिलती है तो एमपी सरकार इन विकास कार्यों को शुरू करेगी। तो राम के दर पर आज मोहन यादव, कैबिनेट के सभी मंत्री आज रामलला के दर्शन करेंगे। तो चलिए आज का पूरा कार्यक्रम हम आपको बता देते हैं। देखिए पहली बात तो यह है कि सरयू तट पर घाट बनाने की भी यहां पर योजना रखी गई है। साथ ही विक्रमादित्य घाट के लिए संभावना तलाशी जाएगी। इसके अलावा मोहन कैबिनेट रामलला के दर्शन करेगी यहां पर पहुंचकर, और ये वो वन टू वन कार्यक्रम है पूरा। कैबिनेट के सभी मंत्री अयोध्या जाएंगे, खासा उत्साह यहां पर सभी मंत्रियों में देखा जा रहा है। परिवार के साथ रामलला के दर्शन करेंगे आज मंत्री। प्रदेश के भक्तों के लिए धर्मशाला बनाएगी सरकार, ताकि कोई भी प्रदेशवासी अगर वहां पर पहुंचता है तो उसे तमाम परेशानियों का सामना ना करना पड़े। खासा सुविधाजनक यहां पर पहुंचने के बाद प्रदेशवासियों को लगे। और ज्यादा जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर सुधीर डंडोतिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। सुधीर जी, खासा उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि प्लान पहले फरवरी में था लेकिन अब उसे मार्च में कर दिया गया था, खासा भीड़ देखते हुए। लेकिन खासा उत्साह और लंबा इंतजार के बाद आज वो दिन है जब रामलला के दर्शन करने के लिए मोहन कैबिनेट पहुंची गया अयोध्या। देखिए बिल्कुल, और कहना होगा कि भगवान राम की शरण में आज मध्य प्रदेश सरकार रहने वाली है और काफ़ी लंबे समय से इंतजार था मध्य प्रदेश के मंत्रियों को और खुद मुख्यमंत्री को, क्योंकि प्रधानमंत्री ने फरवरी में आह्वान किया था कि जनता इस समय रामलला के दर्शन करना चाहती है, लिहाजा वीवीआईपी रामलला के दर्शन करने से बचे और राम जन्मभूमि न्यास की ओर से जब उनको समय दिया जाए उस समय जाकर वो दर्शन करें। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राम जन्मभूमि न्यास को पत्र लिखा गया था कि रामलला के दर्शन पूरी कैबिनेट करना चाहती है, लिहाजा आज 4 मार्च की तारीख जो है वो दर्शन के लिए मुकर्रर की गई थी। आज सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और तकरीबन 1:30 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरी कैबिनेट के साथ भगवान रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या रवाना होंगे और उनके साथ में मंत्रियों के साथ उनकी पत्नी और परिवार के सदस्य भी मौजूद रहने वाले हैं। और इसके लिए विशेष तौर पर 72 सीटर प्लेन जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हायर किया गया है, बुक किया गया है। और 2 बजे के आसपास तकरीबन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्री अयोध्या पहुंचने वाले हैं और उसके बाद में भगवान राम के दर्शन करेंगे। साथ ही साथ बात करें तो मध्य प्रदेश के लोग अगर अयोध्या जाते हैं तो उनके रुकने का इंतजाम वहां पर हो सके, इसके लिए धर्मशाला निर्माण की योजना भी मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई और ये माना जा रहा है कि इसको लेकर भी अयोध्या के अंदर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट के सदस्यों के साथ चर्चा कर सकते हैं, जमीन को तलाश सकते हैं, जिसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार से जमीन का आवंटन मांगा जाएगा। इसके अलावा सरयू के घाट पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राजा विक्रमादित्य के नाम पर एक घाट का निर्माण किया जाना है, इसका भी निरीक्षण आज अयोध्या में दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया जा सकता है। 2 घंटे तक पूरी सरकार, मध्य प्रदेश की पूरी सरकार, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कैबिनेट के सदस्य अपने परिवार के साथ में अयोध्या में रहने वाले हैं और तकरीबन 4:30 बजे अयोध्या से वापस भोपाल वापसी जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों की रहने वाली है। बिल्कुल, देखिए सुधीर जी, खासा उत्साह तो यहाँ पर मंत्री परिषद में देखा ही जा रहा है। लेकिन जब लखनऊ के दौरे के बाद वापस लौटे थे सीएम मोहन यादव, उन्होंने कहा था
की पावन धरती पर मैं पहुंचा हूं और रामलला के आशीर्वाद लेने के लिए आज पूरा का पूरा कैबिनेट जो है वो अयोध्या पहुंचेगा। लेकिन इस बीच तमाम बड़ी सौगात भी देते हुए नजर आ सकते हैं, जैसा कि आप विस्तार से हमें समझा भी रहे थे, चाहे विक्रमादित्य घाट की बात हो या फिर एमपी भवन को लेकर हो, क्या कुछ खासियत रह सकती है इसमें? देखिए बिल्कुल, भगवान राम के दर्शन करने के लिए पूरा भारतवासी, पूरे देश, हर हिंदू आतुर है। और इस समय फरवरी के महीने में जब भगवान राम के मंदिर का निर्माण हुआ था, उस समय काफी ज्यादा भीड़ थी और अपील की थी कि जो बड़े राजनेता है, जो वीवीआईपी है, वो कम से कम फरवरी के महीने में दर्शन करने से बचे, जिससे कि आम लोगों को दर्शन में किसी तरह की कोई दुविधा ना हो। और यही वजह है कि अलग अलग राज्यों के द्वारा जो समय मांगा गया था राम जन्मभूमि न्यास के द्वारा, उसमें मध्य प्रदेश सरकार को आज 4-5 की तारीख भगवान राम के दर्शन के लिए मिली थी। और यही वजह है कि विशेष तौर पर दर्शन की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। न केवल 72-सीटर प्लान हायर किया गया है, बल्कि प्रदेश सरकार के सभी मंत्री अपने परिवार के साथ में भगवान राम के दर्शन करने वाले हैं। ये भी अपने आप में खास रहने वाला है। अयोध्या के अंदर मध्य प्रदेश में यात्रियों के लिए सुविधा के लिए धर्मशाला का निर्माण तो हो ही, राजा विक्रमादित्य घाट का निर्माण तो किया जाए, पर लेकिन अगर मध्य प्रदेश से यात्री अयोध्या जाते हैं तो उनकी सुविधा के लिए प्रदेश सरकार और कुछ क्या कर सकती है, इसकी कार्य योजना को लेकर भी आज अयोध्या में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने मंत्रियों के साथ में चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश की यात्रियों की सुविधा के लिए अयोध्या के अंदर और क्या कुछ इंतजाम किए जा सकते हैं। इसको लेकर यह माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चर्चा करेंगे और हो सकता है कि जमीन का आवंटन अगर जल्द किया जाए तो जल्दी अयोध्या के अंदर मध्य प्रदेश भवन का निर्माण किया जाएगा, जहां पर मध्य प्रदेश से जाने वाले यात्री जो है भगवान राम के दर्शन के लिए अगर जाते हैं तो कम से कम उनके रहने और